इसके लिए चाहिए आपको YouTube का एक अकाउंट जो Gmail से कनेक्ट करना होगा, इसलिए आपको एक Gmail का अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं तो आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको Gmail के जो डिटेल्स हैं, बेसिक आपका नेम इन्फॉर्मेशन, वो सब कंप्लीट करने के बाद आपका Gmail अकाउंट खोलता है। और Gmail अकाउंट के थ्रू ये जो इंडिकेशन है Google Apps का, इसे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको YouTube मिलता है। यहाँ से YouTube पे जाने के बाद इसे कहते हैं नोटिफिकेशंस। यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, अगर हमने कुछ चीज़ें शेयर की है, लाइक किया है, तो उसके नोटिफिकेशंस जो गूगल पेज से रिलेटेड होता है। अब बेसिक चीज़, जब आप चैनल आप बनाते हैं तो हाउ टू वेरीफाई, यहाँ पे आने के बाद आपको बेसिक समझ में आता है। जहाँ पे है अकाउंट सेटिंग, पहले क्रिएटर पे क्लिक करना है, फिर की आइकॉन यूट्यूब सेटिंग आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका नाम होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्रिएट न्यू चैनल के ऑप्शंस, ऐड एडिशनल फीचर्स एंड बेसिक चीज़ें। तब हम इसे वेरीफाई करेंगे, अकाउंट कनेक्टेड, हमारा अकाउंट ऑलरेडी ट्यूटर के साथ कनेक्टेड है। बेसिक पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसी से पढ़ लीजिए प्लीज़। नोटिफिकेशन हैं, जितना आप इसमें पढ़ के करेंगे उतना आपके लिए सेफ होगा। और जैसे ये क्लियर होता है, फिर आपको वीडियो मैनेजर पे आना है माय चैनल से, और अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, और उसको एडसेंस से कनेक्ट भी करना है। यहाँ से चैनल में जाने के बाद पार्टनर वेरीफाइड, 6 डिजिट का कोड आएगा, वो आपको डालना होगा, तब आपका पार्टनर वेरीफाइड होगा। Then link account to your AdSense. अभी मैं आपको चैनल ऐड बताता हूँ। आप क्लिक कीजिए, माय चैनल पे जाइए। माय चैनल पे जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका चैनल ऐड। आपको चेंज करने के लिए इसे क्लिक करना होगा, फिर एडिट चैनल ऐड को दबाना होगा। सिलेक्टेड फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर या फिर कोई आपके अपलोडेड फ़ोटो है, अगर हम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं तो उसका एक साइज़ होता है, अगर नहीं है तो एक निकालना होगा, हमारे पास ऑलरेडी है। अगर ये सूट होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा, देखिए जैसे कि एरर आया, द फोटो यू नॉट अपलोड इट्स टू स्मॉल, इट्स मस्ट बी 2048 पिक्सल वाइड एंड 115। मैंने नीचे भी शो किया है इसका रेजोल्यूशन, हमें इसी साइज का फोटो डालनी होगी, इसके लिए हमें दूसरी फोटो लेनी होगी। अगर आपको सेम यही दिखा रहा है तो यहाँ पे गैलरी है, गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं जिसे आप लगाना चाहें, जैसे कि ये है। उसके बाद एडजस्ट द क्रॉप, जिस पर आप सेंटर रखना चाहते हैं फोकसिंग, उसे आप थोड़ा सा क्रॉप करके एडजस्ट कर लीजिए, हाफ बोर्ड रखेंगे। सिलेक्टेड, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है। ये है आपका प्रोफाइल, अगर आपको ये चेंज करना है, एडिट आइकॉन सेम जैसे हमने किया। अब ये आएगा आपका गूगल पेज पे, फिर आपको अपलोड दबाना होगा जो फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हैं। मेरे पास एक फ़ोटो है, हमारे शॉर्ट फिल्म का पोस्टर स्वच्छ भारत पे, हम इसे सेट करेंगे, डन। ये देखा आपने, बेसिक हो गया। अब हम जाएंगे वापस, बैक नहीं कर सकते इसलिए हम इसे कैंसिल करेंगे। जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं दिखता, तो ये बटन जो है, ये है रीलोड द पेज, मीन्स रिफ्रेश। अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे, देखिए शायद चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है, ये देखिए ये भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन, चैनल का डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है कि आपका चैनल किस चीज़ का है और आपने चैनल क्यों बनाया, जिसमें आपको एक इंट्रो होगा। इंट्रोडक्शन में आप अपना चैनल के गोल, अपने चैनल क्यों बनाया, आप क्या करते हैं। ये थी बेसिक टिप्स, और जानकारी के लिए लाइक कीजिएगा, और हर सैटरडे संडे को फॉलो करने के लिए, और कमेंट कीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, ताकि हम उसे फुलफिल कर सकें। थैंक्स फॉर गिविंग योर अवेलेबल टाइम।